इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे 4,101 रुपीज के प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ अभी टाइम नजर आ जाएगा। 0.85% की कह सकते हो कि तेजी के साथ क्लोजिंग हमें 14 नवंबर को यहाँ पे देखने को मिला। अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट खुलता है तो कहाँ लेवल्स यहाँ पे होते हैं, लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि उस लेवल्स पे आप ध्यान जो है दे सकते हो, सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है उसके ऊपर। बाकी कोई रिकमेंडेशन सलाह वीडियो में नहीं है, वीडियो बाई सेल या फिर जो कोई भी वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 7.52% की गिरावट नजर आया है। पिछले 1 महीने में 10% से ऊपर की कह सकते हो कि यहाँ पे हमें गिरावट जो भी नजर आया है, और पिछले 6 महीने में 1.93% गिरावट, और केवल 2024 में 45% की तेजी है। ये तेजी और भी ऊपर का था, टॉप से लेकर अभी मतलब करंट प्राइस तक केवल 2024 में यहाँ पे 27% की गिरावट नजर आया हमें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मार्केट की सेंटीमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो आप देख ही सकते हो कि क्या मार्केट का सेंटीमेंट हमें रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में देखने में मिला। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में गिरावट, और बैंक निफ्टी, आईटी और एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप में हमें तेजी देखने में मिला। अभी रिजल्ट यहाँ पे कह सकते हो कि आउट होते हुए दिखा हमें। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर हम बात करें क्वार्टर टू का यहाँ पे दिखा जाए तो यहाँ पे तो ईपीएस कह सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिट किया, और यहाँ पे रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा हमें, मतलब रेवेन्यू भी 4.17% की बिट करते हुए दिखा हमें। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्या न्यूज़ में मेंशन किया गया है उसके ऊपर बात करें यहाँ पे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखेंगे यहाँ पे Q2 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट इंक्रीज 22% और रेवेन्यू जंप 6%। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे पिछला रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्या रहा है, और सितंबर यानी अभी जो रिसेंट आउट हुआ है उसका रिजल्ट क्या रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 172 से इंक्रीज होकर 186 करोड़ यहाँ पे हुआ नेट प्रॉफिट, और पिछले ईयर के मुकाबले 173 करोड़ से इंक्रीज होकर 186 करोड़। तो कह सकते हो कि नेट प्रॉफिट में तो इंक्रीज हमें हुआ है, काफ़ी अच्छा, अच्छी बात है। सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले ईयर के मुकाबले 1096 से 1219 यहाँ पे हुआ है, और पिछले क्वार्टर से 1145 से 1219 यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सेल्स भी इंक्रीज़ हुआ है, ऊपर से नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, और बात करें ईपीएस का तो 1.69 हुआ है 1.56 से, तो ये भी इंक्रीज हुआ है और पिछले ईयर के मुकाबले भी इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब इस रिजल्ट के बाद कह सकते हो क्या लेवल्स यहाँ पे आप देख सकते हो अगले ट्रेडिंग सेशन में, अगर मार्केट अब देखते हैं इसको क्या रिजल्ट को कैसे लेता है दोस्तों, पॉजिटिव वे में या फिर जो भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर, तो फंडामेंटली बेसिस पे कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है हमें। 49 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, 49 करोड़ 2 लाख का, और 26,421 करोड़ और 84 लाख का कंपनी के पास कैश है पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जितना कंपनी के पास कैश है उसमें से कभी भी यहाँ पे डेट चुका सकता है आप देखेंगे यहाँ पे। अब जिसके पास मान लीजिए आपके पास 26,421 करोड़ हो, उसमें से आपके पास 49 करोड़ का कर्ज हो, तो आपके लिए क्या है वो आप खुद सोचिए। बाकी आरओई और आरओसी दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। और बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटीमेंट के ऊपर अगर आप आएंगे तो 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड यहाँ पे बाइंग एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। रिसेंट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो जितना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ उसमें से कह सकते हो कि कितना डिलीवरी परसेंटेज रहा, 19.48% क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज रहा, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 19.48%। इसी अगर हम बात करें यहाँ पे एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लेवल्स यहाँ पे क्या बन रहा है। सबसे पहली चीज़ की यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है, बुलिश क्रॉसओवर। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है सिग्नल लाइन, ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करता है इस रेड लाइन को तो होता है बुलिश क्रॉसओवर, जहाँ पे तेजी के चांसेस नजर आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा सिक्योरिटी मार्केट में नहीं होता है, आपको पता है 100% कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। अब यहाँ पे एक ही इंडिकेटर को यूज़ करके आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि तेजी होगा या फिर गिरावट होगा, बट जो भी सिग्नल दिख रहा है मैंने आपको बता दिया एमएसडी का। अब बात करें यहाँ पे लेवल्स के बारे में कि अगर आपको गिरावट यहाँ पे नजर आता है तो कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे हो सकते हैं उसके बारे में, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली लेवल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे अगर गिरावट आपको नजर आता है तो वो हमारा कुछ यहाँ पे 4000 एंड कुछ आप देखेंगे पूरा 4000 का लेवल एक रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट भी है, और उसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल अगर हम बात करें तो 3000 और 3925-30 के आसपास लेवल है। डाउन साइड में ये कुछ दो लेवल आप ध्यान दीजिएगा अगर आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो बाकी अगर लेवल्स की बात करें तो पहले का और भी लेवल्स आपको नज़र आ जाएगा अगर गिरावट और होता है तो, उन सब लेवल्स पे आप ध्यान दीजिएगा जो कि लेवल है 3840-50 के आसपास, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है वहाँ पे भी।
डाउन साइड में ये कुछ तीन लेवल है। आप अगले ट्रेडिंग सेशन में अगर ग्राउट होता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर तेजी होता है तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा हमारा क्या रहेगा, तो वो 4000 एंड आप देखेंगे 4150 के आसपास एक लेवल है। इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा कुछ 4300 के आसपास भी है, और उसके पहले 4190 के आसपास भी यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे हैं। तो कुछ 100 पॉइंट ऊपर का कह सकते हो यहाँ पे लेवल्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये कुछ लेवल्स हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, आप ध्यान दे सकते हो। अगर ग्राउट होता है तो डाउन साइड में, तेजी होता है तो अप साइड में। बाकी देखिए वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल या फिर होल्ड का, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये सपोर्ट लेवल है और वो रेसिस्टेंस लेवल है, जो कि ग्राउट होता है तो सपोर्ट पर ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस पर ध्यान दीजिएगा, तेजी होता है तो। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।